हेलो बच्चों, टुडे इज क्वेश्चन लॉगरिथम टॉपिक। इफ पी टू द पावर लॉग 7 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 81, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टू द पावर लॉग 7 टू द बेस 3 होल स्क्वायर। सो पी टू द पावर लॉग 7 टू द बेस 3 होल स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p टू द पावर log 7 टू द बेस 3 टू द होल पावर log 7 टू द बेस 3, क्योंकि a टू द पावर m और होल पावर n अगर है, ये a टू द पावर m n होता है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो इस फॉर्म को हमने इस तरीके से लिख दिया, इस टर्म को। अब ये वाली वैल्यू हमको दी हुई है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। ये वाली वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 81 दे रखी है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 81 टू द होल पावर log 7 टू द बेस 3। अब ये क्या होता है, 3 टू द पावर 4 होता है 81, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 7 3 4 को 7 की पावर पे ले जाते हैं अगर हम, क्योंकि हम जानते हैं log a टू द पावर m क्या होता है, m log a होता है, तो m log a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि m को हम a की पावर पे ले गए, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को जो है 7 की पावर पे ले जाएंगे, तो 3 टू द पावर log बेस यहाँ 3 हो गया, 7 टू द पावर 4 हो गया। अब ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका 7 टू द पावर 4, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 7 टू द पावर 4 आपका आंसर हो गया, जो कि होता है 2401, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, 7 × 7 × 7 × 7 करेंगे तो हमको 2401 मिलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए टू द पावर log 7 टू द बेस 3 is equal to 27, b to the power log 11 to the base 7 is equal to 49, c to the power log 5 to the base 11 is equal to root 11, then find the value of a to the power log 7 to the base 3 whole square, b to the power log 11 to the base 7 whole square plus c to the power log 25 to the base 11 whole square। ऑप्शन ए आ गया आपके पास 343, ऑप्शन बी आ गया आपके पास 121, ऑप्शन सी आ गया आपके पास 469 एंड ऑप्शन डी इज 569, ठीक है बच्चों। तो ये हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे रखी है 27, ये वैल्यू दे रखी है 49 और ये वैल्यू दे रखी है आपको रूट 11। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने करा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर log 7 टू द बेस 3 टू द होल पावर log 7 टू द बेस 3, ठीक है। अब इसके वैल्यू यहाँ आपको दे रखी है 27,
ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 27 टू द पावर log 3 7, तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 log 3 7। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 log बेस 3 3 टू द 7 टू द पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 टू द पावर 3, क्योंकि ये सेम होता है तो ये आंसर होता है, ठीक है। और 27 को हमने लिखा है 3 टू द पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 4 3, ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। दूसरी टर्म आपको दे रखी है यहाँ पे बी टू द पावर लॉग 11 टू द बेस 7 टू द होल पावर लॉग 11 टू द बेस 7, ये आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इस वाली टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर चला गया, तो 7 log बेस 7 11 स्क्वायर, तो ये दोनों सेम हो गई, तो 11 स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 121 वैल्यू हो जाएगी सेकंड टर्म की। नेक्स्ट थर्ड टर्म आपको दे रखी है c टू द पावर log 25 टू द बेस 11, ठीक है, इनटू log 25 टू द बेस 11, राइट। सो इस थर्ड टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है रूट 11, तो ये रूट 11 दे रखी है इसकी वैल्यू, इसकी होल पावर log 25 टू द बेस 11 आ जाएगी, इसको 11 टू द पावर हाफ log 25 टू द बेस 11 लिख सकते हो, तो यहां से आ गया 11 टू द पावर log रूट 25 अपॉन रूट 25 टू द बेस 11, ये दोनों सेम हो गया 11, तो रूट 25 आपका आंसर आ जाएगा, और रूट 25 क्या होता है 5 होता है। अब तीनों टर्म्स का एडिशन पूछा है यहां पर, इन तीनों टर्म्स का एडिशन पूछा है ना, तो हम तीनों टर्म्स का एडिशन कर देंगे, तो ये हो गया 343 प्लस 5, और ये सेकंड टर्म तो आई थी 121, और ये लास्ट टर्म आई थी आपकी 5, तो ये हो गया 469। फाइनल आंसर आपका हो गया 469। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है ए की, जहाँ पर आपको दे रखा है कि ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, सेम सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सी नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, और ए बी सी भी नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, देन आपका ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए ए बी सी होगी, ऑप्शन बी 1/ABC होगी, ऑप्शन सी 1 होगी, और ऑप्शन डी नन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए आपको दे रखा है, ये log a टू द बेस भी है, log c टू द बेस भी है, और इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a टू द बेस a लिख सकता हूँ इस वन की जगह पर, तो मैं यही करूंगा यहाँ पर 1/ log a टू द बेस a लिख दिया मैंने, और यहाँ पे था मेरा log a टू द बेस b, log c टू द बेस b, यहाँ b लिख सकता हूँ मैं b, log b टू द बेस b लिख सकता हूँ, यहाँ सेम बेस करना है मुझे तीनों का,
तो यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा आर्गुमेंट और बेस में, ताकि ये वैल्यू क्या आ जाए आपकी वन आ जाए। सेम यही चीज आगे की दो टर्म में मेरे को करना है, यहाँ बेस सी है तो बेस सी लेना पड़ेगा और आर्गुमेंट में भी मेरे को सी ही लेना पड़ेगा। तो लॉग सी टू द बेस सी आप कर दो, बाकी की आगे की दो टर्म एज इट इज लिख दो, लॉग ए टू द बेस सी, लॉग बी टू द बेस सी, प्लस थर्ड टर्म में भी आप ये कर दो, लॉग ए टू द बेस ए लिख दिया वन को तो लॉग बी टू द बेस ए करा, लॉग सी टू द बेस ए करा। ठीक है, थर्ड टर्म देख लो, यहाँ बेस आपका है तो बेस ए लेना पड़ेगा, तो आर्गुमेंट भी ए लेना पड़ेगा तभी वन बनेगा, तो ये हमने कर लिया। अब देखो लॉग एम एन पी वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। लॉग एम एन पी क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ठीक है, तो इससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग बेस बी और यहाँ आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, सेकंड वाली में क्या आ जाएगा, वन अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस सी आ जाएगा, और थर्ड वाली में आ जाएगा वन अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस ए। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी, तो यहाँ बेस तो बी था और यहाँ क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, यहाँ बेस सी है और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, यहाँ बेस ए और मल्टीप्लाई में आर्गुमेंट में ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, वन अपॉन लॉग ए बी क्या होता है, वन अपॉन लॉग बी ए के बराबर होता है। ठीक है साहब, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, तो यहां पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू लॉग ए बी सी तो चल गया बेस में और बी आ गया आर्गुमेंट में, और इधर भी आ जाएगा ए बी सी तो बेस में, सी आ गया आर्गुमेंट में, इधर आ गया ए बी सी तो बेस में और ए आ गया आर्गुमेंट में। अगेन लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, लॉग एम एन पी हो जाएगी। राइट, सो यहाँ लॉग ए बी सी और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट में ए बी सी। अब बेस और आर्गुमेंट आपका सेम है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसको हमको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।